हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सूरज कंप्यूटर से आज आपको पुराने लैपटॉप के बारे में बताता हूं कि पुराना लैपटॉप आपको कौन सा लेना चाहिए। हमारे चैनल पे ये इंक्वायरी बहुत आती है कि हमें पुराना लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, तो आज हम आपको बताते हैं पुराने लैपटॉप के बारे में, ये लैपटॉप कैसे होते हैं, यूज करने में इसको कैसे करते हैं, कि ये कैसे चलते हैं, क्या इनका परफॉर्मेंस होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज हम आपको बताते हैं, एक लैपटॉप का मॉडल आता है लेनोवो के, जो लैपटॉप आते हैं थिंकपैड सीरीज, तो वो उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं लेनोवो थिंकपैड के लैपटॉप कैसे होते हैं। ये होम पर्पज के लिए भी अच्छे होते हैं और कमर्शियल यूज में भी ये लैपटॉप अच्छे होते हैं। तो आज हम आपको एक लैपटॉप के बारे में बताते हैं, लैपटॉप है लेनोवो थिंकपैड L412। इसके बारे में हम आज आपको रिव्यू करके बताते हैं कि ये लैपटॉप कैसा होता है, यूज करने में कैसा चलता है और इसको हम क्या इसमें क्या अपग्रेड करा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये कंपनी से जो आता है 500 GB हार्ड डिस्क और 4 GB रैम के साथ आता है। ये i5 फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप होता है। तो फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप को ऐसे काम करने में, देखो पुरानी है, कम से कम भी 8-10 साल पुरानी मशीन होती है, पर घर के लिए जैसा कि आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं, जूम मीटिंग वगैरह में हमको लैपटॉप की जरूरत रहती है, तो उसमें हम इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं उस कंडीशन के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन में। यदि आपको इससे कुछ और हैवी काम करना है, कुछ भी आपको कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, कोई और काम करना है, तो उसके लिए इसमें हम एक चीज अपग्रेड कर सकते हैं, वो होता है SSD। हार्ड डिस्क की जगह हम SSD लगवा सकते हैं, तो उससे मशीन के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो हम आज आप इस लैपटॉप के बारे में बताते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ये लैपटॉप होता है लेनोवो थिंकपैड, मशीन है ये। ये विंडो 7 के साथ आता है, इस पे विंडो 10 हमने इंस्टॉल किया हुआ है। विंडो 10 थोड़ा स्लो हो जाता है हार्ड डिस्क पे, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं आप इसको SSD के साथ लें। हार्ड डिस्क निकलवा के आप इसको SSD के साथ लें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इन मशीन का। इनके प्रोसेसर बहुत हैवी होते हैं, ये मशीन जो आपकी थिंकपैड की मशीन आती है बहुत हैवी सीरीज की मशीन होती है। इसमें आप देखोगे ये हमारे पास मशीन है, विंडो 7 पे भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करती है और इसको विंडो 10 पे यदि हमने चलाना है तो इसमें SSD जरूर हम लगवाएं। SSD लगवाने से मशीन का परफॉर्मेंस पे 10 गुना फास्टर मशीन हो जाती है आपकी। और विंडो 10 पे तो SSD यूज करनी ही चाहिए, जो आजकल विंडो 10 आ रही है उसमें क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन हिडन एप्लीकेशन होती हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं, जो मशीन को स्लो करती है, वो विंडो 10 में बहुत ज्यादा चलती है, विंडो 7 में कम चलती थी, तो मशीन का परफॉर्मेंस विंडो 7 पे अच्छा होता था। अब विंडो 10 आ गई है तो हार्ड डिस्क पे ये मशीन बहुत स्लो परफॉर्मेंस करती है विंडो 10 पे, कारण उसका वही है कि हिडन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चलती है। तो अब हम इसके बारे में कीबोर्ड के बारे में बताते हैं। इसका कीबोर्ड जो होता है ये एक कमर्शियल तरह का, बहुत अच्छी टाइपिंग इसमें बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट ये की वगैरह काम करती है इसकी। इसमें ट्रैक पैड, दो ट्रैक पैड होते हैं, ये टच पैड के ऊपर दो क्लिक बटन होते हैं इसका, एक नीचे क्लिक होता है और एक आप ऊपर देखोगे ऊपर क्लिक बटन होता है। ये भी इसलिए ये मशीन बहुत अच्छी होती है, इसलिए भी इसका फायदा होता है कमर्शियल मशीन का। आप देखोगे डबल क्लिक वाली मशीन होती है, वाईफाई इनबिल्ड होता है इसमें, ब्लूटूथ होता है और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। इसमें 6L की बैटरी लगती है, इसलिए इसका बैटरी बैकअप भी ज्यादा होता है और मशीन के मुकाबले लेनोवो थिंकपैड में। दूसरा इसका कीबोर्ड का मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इसका कीबोर्ड थोड़ा टाइपिंग करने में ज्यादा अच्छा होता है और लैपटॉप के मुकाबले, आप कोई भी होम यूज का लैपटॉप ले लो उसके मुकाबले ये मशीन इसका लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत अच्छा होता है। इसमें 15 इंच में भी आता है, 14 इंच में ये हमारे पास जो मशीन है, जो हम मोस्टली ये थिंकपैड मशीन 14 इंच में ज्यादा आती है, तो इसलिए 14 इंच में मशीन है। इसका साउंड सिस्टम पे हम बात करें तो इसका साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। इसमें हैवी स्पीकर, दो स्पीकर लगे होते हैं प्लस एक छोटा बूफर भी लगा होता है, इसलिए इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और फिर हम इसके बारे में आगे बात करें, कैमरे पे आए, कैमरा इसका 0.7 पिक्सल का कैमरा होता है, जिसका HD तो नहीं होता है, ये नॉर्मल कैमरा होता है, इसमें HD कैमरा नहीं है, पर फिर भी कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। माइक इसमें इनबिल्ड होता है कैमरे के साथ ही, तो आपका ये जूम वगैरह के लिए यदि आपको लेना है नॉर्मल काम के लिए, घर के पर्पज से जो आपको जूम क्लास वगैरह करनी होती है, बच्चों का क्लास वगैरह के लिए, ये मशीन बहुत अच्छी होती है और इसके रेट भी बड़े सस्ते होते हैं। ये मशीन आपको i5 जैसा फर्स्ट जनरेशन में है थोड़ा से 13,000 रुपए के आसपास ये मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में मशीन। इसकी कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होता है, इसमें फैन ना, इसमें इसकी हीट सिंक हैवी होती है तो इसका कूलिंग ये इतना हीट नहीं होती है, मशीन बहुत कम हीट होती है, और वाईफाई और इसमें तो ब्लूटूथ तो होता ही है। और इस प्रकार ये मशीन आप यूज करें तो होम पर्पज के लिए ये बहुत ही आपको कम कॉस्ट में अच्छी मशीन मिलती है। यदि हम इसको SSD के साथ ले तो ज्यादा बेटर है।